वेलकम टू रजा टेक्वी गाइस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉलर अकाउंट के बारे में पूछना था। जैसे आप सीबीडी बैंक अकाउंट ओपन करते हो उसमें बहुत सारे तरीके के अकाउंट होते हैं, तो ये अकाउंट में कुछ ई सेवर अकाउंट होते हैं, कुछ उसी अकाउंट के साथ ही साथ डॉलर अकाउंट होते हैं, कुछ करेंसीज अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिनके बारे में आपने बहुत दफ़ा कमेंट किया है। मैं इस पे वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा था, लेकिन आप लोगों का कमेंट की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सपोज दैट सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं, डॉलर अकाउंट। अब समझो आपने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लिया है ड्रम में, ये सीबीडी का ड्रम अकाउंट ओपन कर लिया है। अब इस अकाउंट से आपने डॉलर अकाउंट ओपन किया, आपने इस अकाउंट से एक नया करेंसी अकाउंट ओपन किया, आप इस अकाउंट से एक ई सेवर अकाउंट ओपन किया, तो आपने तीन अलग अलग तरीके के अकाउंट ओपन कर लिए हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि डॉलर अकाउंट आपको किस पर्पस से चाहिए, क्या आप डॉलर में कोई बिजनेस करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि करंट अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनका कोई पर्सनल बिजनेस है। सपोज दैट वो किसी से कुछ चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, इस तरीके से बिजनेस वाले लोग जो है वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर ये सारे ऑप्शंस इसी वजह से आते हैं ताकि आप कोई बाहर कंट्री से कोई चीज़ें अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको जो पेमेंट यहाँ से करना पड़े, तो उस पेमेंट करने में जो है करेंसी ट्रांसफ़र का कुछ कुछ बैंक में चार्जेस आते हैं, तो इस चार्जेस से सेव करने के लिए सीधा डॉलर से डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा कंडीशन होता है, सपोज दैट आप 300 द्रम यहाँ से भेज रहे हैं और डॉलर में कैलकुलेट करने के बाद कभी डॉलर अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे कभी कभी शॉर्ट मनी पहुँचती हैं। तो इस वजह से भी ये लोग जो है सीबीडी बैंक के अंदर डॉलर अकाउंट स्पेशल देते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपके ऊपर कितनी हद तक आपको इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझने के बाद ही अकाउंट ओपन करिए। अच्छा चलो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ई सेवर अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो एक हाई अमाउंट में चीज बैलेंस है, सपोज दैट 25,000 या तो 50,000 या तो 1,00,000 दिरहम वो जो है सेव करके कहीं जमा करके रख देते हैं। तो इस बेस में क्या होता है, बैंक उनको इंटरेस्ट पे करती है। इनकी एक रेशियो होती है, सपोज दैट 0 से लेके 25,000 तक अगर आप अपने अकाउंट ई सेवर अकाउंट में रखते हैं तो आपको 25% जो है पर ईयर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 25,000 से लेकर के 50,000 या 1,00,000 दिरहम तक रखते हैं तो इसका अलग एक परसेंटेज है, इस हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ई सेवर अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास इतने सारा पैसे हैं जो आप ई सेवर अकाउंट में रखने वाले हो, तो फिर आप सीबीडी का जीरो बैलेंस अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था, असल मैं बस ऐसे ही क्लिक कर रहा था, मेरा ई सेवर अकाउंट ओपन हो गया, अभी इसका मुझे बैलेंस कट हो रहा है, किस तरीके से इसको क्लोज करें। तो गाइस जो चीज़ें में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो चीज़ आपको नहीं पता है, उसमें ज़बरदस्ती उंगली करना आपके लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। तो इस केस में आपको जो चीज़ें पता है वही करो, जो चीज़ें नहीं पता है आप इंटरनेट में पढ़ो, गूगल में पढ़ो या हमें कमेंट करके पूछो, हम उस चीज़ को आपको जवाब दे देंगे। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि गाइस जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसमें ज़बरदस्ती का उंगली करके फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको इन सारी चीज़ों से नुकसान ही होने वाला है। तो जो चीज़ें आपको पता है वो करिए, जो चीज़ें नहीं पता है वो चीज़ें हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपके दिल में कोई भी इस तरीके का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।